वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। जिम कॉर्बेट ने मुझे पकड़ने के लिए हामी तो भर ली थी, लेकिन उसकी दो शराइत थी। पहली शर्त ये कि मुझे मारने के लिए वो कोई मुआवजा नहीं लेगा, और मेरे सर पर जो इनाम था उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरी शर्त ये कि मेरे शिकार की कोशिश में लगी हुई दीगर तमाम हंटिंग पार्टीज को रोक दिया जाएगा। कॉर्बेट की इन शराइत पर फौरन अमल किया गया और वो मेरे पीछे निकल पड़ा, और यूं शुरू हुआ आंख मचोली का एक पेचीदा खेल। जो जीत गया सो जी गया, और जो हार गया वो जान से गया। महीनों के ताकुब के बाद कॉर्बेट तक एक खबर पहुंची कि मैंने फिंगर गांव में एक 16 साल लड़की प्रेमिका पर हमला कर दिया है। उस इलाके में पहुंचकर कॉर्बेट ने पत्तों पर लगे खून के निशानात का पीछा करना शुरू किया, जो उसे उस जगह तक ले आए जहाँ मैं खा पीकर आराम कर रही थी। जब मेरी नजर इस बिन बुलाए मेहमान पर पड़ी तो मैंने दो कदम पीछे लिए, अपने नोकीले पंजे खोले, एक लंबी गहरी सांस ली और कॉर्बेट पर छलांग लगा दी। उसने अपने दिफा में मुझ पर दो गोलियां चलाई, मगर उसका निशाना चूक गया। मैं उस वक्त पेट भर खाना खा लेने की वजह से जरा हनुदगी में थी, लिहाजा दोबारा हमला करने की बजाय मैंने भागकर छुप जाना बेहतर समझा। कॉर्बेट मेरे अंदाजे से ज्यादा चालाक निकला। वो बहुत अच्छी तरह ये बात जानता था कि मैं फिलहाल कुछ दिनों तक ये इलाका छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि प्रेमिका की सूरत में नोश फरमाई गई दावत को हजम करने के लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा, और इस दौरान मैं दूसरा शिकार नहीं करूंगी। इस बात का फायदा उठाते हुए वो अगले दिन फिर लौटा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आया था। वो अपने साथ 300 लोगों की नफरी लेकर आया था, जिसमें निडर गांव वाले और कुछ अहलकार भी शामिल थे। वहां पहुंचकर उसने उस पूरे हुजूम को हुक्म दिया कि वो नगाड़े बजाकर शोर मचाएं। अब तक तो मैं छुपी हुई थी, लेकिन 300 लोगों की चीखों पुकार ने मुझे डरा दिया था, और मैं बाहर निकलने पर मजबूर हो गई। मुझे बौखलाया हुआ देखकर कॉर्बेट ने बिना एक सेकंड जाया किए क्लियर शॉट लिया और एक गोली मेरे सीने में उतार दी। मैंने वहां से फरार होने की कोशिश की और दूसरी गोली से बाल बाल बची, मगर वो लोग मुझे चारों तरफ से घेर चुके थे और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब बस एक आखिरी वार की जरूरत थी। कॉर्बेट की तीसरी गोली मेरे कंधे पर लगी और मैं वहीं ढेर हो गई। यहाँ मैंने अपनी आखिरी सांस ली और वहाँ पूरे गांव ने सुख का सांस लिया। लेकिन मेरी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद ये लोग मुझे तफ्तीश के लिए ले गए और वहाँ कुछ अहम इंकशाफात हुए। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले हिस्से का।